मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। बीजेपी के स्टार प्रचारक और नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर आते समय अमरवाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रहे मोटरसाइकिल सवारों से उनके वाहन की भिड़ंत हुई है। इस दुर्घटना में 4 से 5 अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर है। प्रहलाद पटेल को मामूली चोट लगने की खबर है। वहीं सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बाल बाल बच गए हैं, उन्हें मामूली चोट आई है। घटनास्थल पर केंद्रीय मंत्री पटेल के खिलाफ भीड़ ने नारेबाजी भी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सीधी पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी विशिष्टता बताई है। पीएम मोदी ने कहा कि पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिया लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया है। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। आपके सेवक मोदी ने निष्ठा से काम किया है। भाजपा सरकार में घोटाले बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की धार्मिक और पर्यटक नगरी ओरछा में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने के लिए बनी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है और कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने एमपी में हमसे दूरी बनाई है, हम यूपी में उनसे दूरी बनाएंगे। अखिलेश ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाए। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि महंगाई बढ़ाए? ये लोग कहते हैं कि लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो आप बताइए कि 5 साल में फिर राशन क्यों देना पड़ रहा है? ये देश की कमजोरी दिखाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दौरे पर धुआंधार प्रचार करने उतरी प्रियंका गांधी सोमवार को इंदौर के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची ही थी और कांग्रेसी नेताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया। स्वागत के सिलसिले के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता ने प्रियंका गांधी को बिना फूलों का ही गुलदस्ता भेंट कर दिया, जिसे देखकर प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि मैं जब यहां आई तो मुझे गुलदस्ता भेंट किया गया जिसमें फूल ही नहीं थे। इसकी तुलना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से की है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह के गुलदस्ते आपको दिखा रही है जिसमें फूल नहीं है। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की पीच पर प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश से बाहर श्रीलंका में भी मंदिर बनाने की चुनावी घोषणा की है। कमलनाथ कह रहे हैं कि आस्था और विश्वास के साथ खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण हो, यह मेरा संकल्प है और मैं इसे साकार करने के लिए वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ लगातार मतदाताओं को वचन दे रहे हैं। माना जाता है कि हिंदुत्व बीजेपी की चुनाव विफल है, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए कमलनाथ भी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। इसी बीच कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।